मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी की बजाय उद्यमी बनने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कहा कि वे अपने शोध को समाज के लिए उपयोगी बनाएं, जिससे देश में पैदा हो रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्धारकों को आवश्यक दिशा और आंकड़े मिल सके। आनंदीबेन पटेल आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थी। पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से कहा कि उनका लक्ष्य डिग्री प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी ढूंढने की बजाय स्वयं का रोजगार शुरू करने का होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का जिक्र करते हुए कहा कि अनपढ़ महिलाएं भी प्रतिमाह 10,000 रुपए तक कमा रही है, फिर पढ़े लिखे युवा स्वयं का उद्यम शुरू करने में क्यों नहीं बन पा रहे हैं। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि नई पीढ़ी को भी स्वयं का उद्यम शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेगा। पेपर निकालना है, समय दे दिया है, तो हम एक घंटे पहले क्यों पेपर निकालकर क्वेश्चन पेपर निकालकर यूनिवर्सिटी सबमिट नहीं करते हैं? पेपर नहीं आया इसीलिए ड्रॉप हो गया परीक्षा। अरे स्टूडेंट्स रात भर तैयारी करता है, दूसरे दिन पेपर देने के लिए जाता है और बैठ जाता है अपनी सीट पर और कहा जाता है कि परीक्षा स्थगित हो गई है, फिर से हम डिक्लेयर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई? ये सबको मैं कहना चाहती हूं, कभी ऐसा नहीं चलाना चाहिए और इसके लिए भी शिक्षा होनी चाहिए अध्यापक की। क्या आपने भी ये गलती की है? क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स आपकी एक गलती से हजारों स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और उसको दूसरी जगह एडमिशन लेने का है तो 15 दिन स्थगित हो गई, 15 दिन के बाद आपकी एग्जाम होगी, 15 दिन के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा और एडमिशन लेने के लिए दूसरे स्थान पर जाएगा तो एडमिशन का डेट पूरा हो गया होगा, उसकी तो पूरे साल बिगाड़ दी हम लोगों ने। और इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, आपको ये भाषा कड़क लगेगी लेकिन मैं हूँ ही कड़क। मैं शिक्षा मंत्री बनी तब इससे भी ज्यादा कड़क थी और मुझे कई मेरे लोग कहते थे कि दूसरी बार जीत कर नहीं आओगी। मैंने कहा कि मुझे दूसरी बार जीत कर आना ही नहीं, लेकिन मुझे जो दायित्व जनता ने दिया है ये मैं पूरा करके रहूंगी। 4 बार जीत कर आई भाई, 4 बार। ऐसा नहीं है, सही क्या गलत क्या लोग पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं तो। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ऐसी बने कि उसकी एक छाप, जिसको बोलते हैं, और क्या छाप मतलब पहचान, इसकी पहचान बने। हम कहते हैं कि भाई विदेश में पढ़ने के लिए जाना है तो हार्वर्ड में जाइए, वहां जाइए, क्यों? तो कोई ऐसा बोले नहीं कि भाई पढ़ना है तो अमरकंटक में जाइए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जाइए। ऐसी पहचान बननी चाहिए, इधर कुछ गड़बड़ नहीं होती, जाइए पढ़िए और अपना जीवन निखार दीजिए।